इलाहाबाद के एक डॉक्टर ने सेरेब्रल पॉलिसी बीमारी से पीड़ित दो अफ्रीकी बच्चों को एक नई जिंदगी दी है। दरअसल दोनों बच्चों का पिछले 4 महीने से इलाहाबाद के डॉक्टर जितेंद्र जैन के पास इलाज चल रहा था, लेकिन डॉक्टर की मेहनत का नतीजा ही था कि ये दोनों बच्चे अपने पैरों पर चलने लगे हैं और अपने बच्चों को चलता देख उनके परिजनों का भी खुशी का ठिकाना नहीं है। दोनों लोगों के दो सरबल पाल्सी से प्रभावित बच्चे हैं। दोनों की उम्र लगभग 8 साल थी। एक बच्चे में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, उसकी बॉडी में किसी तरह का कोई रिस्पांस नहीं था, बैठना उठना चलना फिरना कुछ भी नहीं था, बोलने समझने में भी बहुत मुश्किलें थी। वो यहाँ पे जुलाई एंड में यहाँ पे आए थे और 3.5 महीने के इलाज के उपरांत वो बच्ची अपने पैर पर खड़े होकर के सहारे के साथ चलना शुरू कर दिया और बहुत अच्छा उसमें रिस्पांस आने लगा। दूसरी बच्ची जो कि चलने में बहुत मुश्किलें महसूस करती थी, घुटना उसका मुड़ा हुआ था, उसमें भी 3 महीने के ही इलाज के पश्चात बहुत तेज़ी से रिस्पांस आया। क्योंकि सर्वल पाल्सी एक समस्या पूरे विश्व में है और एक इलाहाबाद शहर का एक सौभाग्य है जो कि पूरे विश्व से सर्वल पाल्सी के बच्चे यहाँ पे आते हैं और अच्छे होकर के उनके परिवारों पे एक मुस्कुराहट लेकर के वो वापस जाते हैं। इन कड़ी को हम अपने देश में ना रह करके विश्व के कई देशों तक हम पहुँचाने की कोशिश में लगे हुए हैं और ये कड़ी की शुरुआत ये अफ्रीकन कंट्रीज और कुछ बांग्लादेश के NGO से मिल करके हम उन चीज़ों को शुरुआत कर रहे हैं। फिलहाल बच्चों के सफल इलाज के लिए इसके लिए उनके परिजन डॉक्टर के आभारी हैं और वो डॉक्टर को शुक्रिया कहते नहीं थक रहे हैं। इलाहाबाद से सैयद रजा की रिपोर्ट। व्यापार में लाभ होगा या हानि, रिश्तों में कैसे सुलझेगी परेशानी, किसका बनेगा शादी का योग, कौन से उपाय से कटेंगे रोग, मैं बताऊंगा मेष से लेकर मीन राशि का हाल भविष्यवाणी लाइव में पंजाब केसरी TV पर रोज सुबह 8 बजे।